दोस्तों पवनदीप, अरुणता, साइली और दानिस, अब सभी को पता है कि ये टोरंटो कनाडा पहुंच चुके हैं और वहां से दोस्तों जो भी वीडियोस आ रही थी उसको हमने आपको दिखाया है। अब दोस्तों ये लोग नायग्रा फॉल के लिए निकले हैं और आप सभी को पता है कि नायग्रा फॉल कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। तो ऐसे में दोस्तों वहां से भी पवनदीप और अरुणता का, साथ ही साथ साइली और दानिस का बहुत ही अच्छा सा वीडियो सामने आया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब सिर्फ इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो नमस्कार, अभी हम लोग आए हैं नायग्रा फॉल्स। पीछे पूरा नायग्रा फॉल्स है, तो आज तक पोस्टर्स और टीवी में ही देखा था, पहले सामने से देख रहे हैं। मैडम आप कुछ बोलेंगे? बस कुछ, मैंने बोर्ड से जंप ऐसा बात नहीं कर पा रही, स्लो स्लो हो रहा है, इतना ठंडा यहाँ पे जम रहा है। बस नायग्रा फॉल्स दिखाइए, बस यही है। बस हम मैंने बचपन में ज्योग्राफी जो बुक्स होते हैं उसमें देखा था, और ऐसे MCQs में आता था क्वेश्चन में कि नायग्रा फॉल्स कहाँ होता है, कनाडा, अमेरिका, ऐसे वाले, उसमें टिक मार्क देते थे, तो वो भी सामने। तो अभी क्या लग रहा है कहाँ आता है, कनाडा में आता है या US में आता है? अभी लग रहा है बीच में है, कोई आंसर सही नहीं है इसके लिए। पवन आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बहुत मजा आ रहा है कनाडा में, और पहली बार ही देखा है ऐसा नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड भी है। अभी पीछे पवन लोग जानना चाहते हैं चंपावत से ज्यादा ठंड है क्या यहाँ पे? हाँ, चंपावत से ज्यादा ठंडा है, चंपावत में भी बहुत होता है, पर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ चल रहा है -20, -18, -17, -12, सबसे कम है -9। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।